हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब हमें लगता है कि लाइफ बहुत टफ हो गई है और हमें एक्सेप्टेंस नहीं आता। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या हम ऐसे चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, एजिंग आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज है, जब हम चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देती है एक किताब, मिरर वर्क, लुईस हे ने लिखी है। इतना स्ट्रगल है आज सभी की लाइफ में कि हम अपने आप को कंप्लीट नहीं मानते, हमें लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ कमी है हमारे अंदर। इसी प्रॉब्लम से डील करती है ये किताब। ये सबसे पहले आपको ये चीज सिखाती है कि आपको अपने आप को प्यार करना है। ये सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है, बहुत क्लीशे साउंड करता है और हमें लगता है ये तो बहुत ही आसान है, पर अगर आप वाकई देखें तो ये प्रैक्टिस से आता है। ऐसी 21 डेज की प्रैक्टिस उन्होंने अपनी किताब में बताई है। पहले हमें अपनी आंखों में देखना होगा, अपने मिरर के पास जाके हमें अपनी आंखों में देखना होगा। अब आप सोचेंगे कि तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट अगर आप गौर करें तो अपनी आंखों में ध्यान से देखना कई बार हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। जब हम अपने आप को ही नहीं देख पाते हैं तो हम दुनिया का सामना कैसे करेंगे। इसलिए अपनी आंखों में देखें और एफर्मेशंस बोलें। एफर्मेशंस एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है, क्योंकि जो भी थॉट्स हमारे होते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पर जरूर पड़ता है। इसलिए एफर्मेशन जरूर बोलें कि आई वॉन्ट टू लर्न टू लव यू, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा इजी होता जाएगा। जब आप मॉर्निंग में ये एक्टिविटी करते हैं तो आपका पूरा दिन सेट हो जाता है, क्योंकि आपने अपना दिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ स्टार्ट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जब हमारा दिन, कई बार हम बोलते भी हैं कि हमारा दिन ही खराब है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही खराब हुई है। ये एक्चुअल में एक फैक्ट है कि अगर आपका दिन सुबह अच्छा स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका बाकी का दिन भी अच्छा ही जाएगा। अपने आप को हग करें, धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप होगा, जो कि हमारे अंदर बहुत कम होता है। अंदर सबके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन क्या अपने आप से हमें प्यार है, क्या हम अपना ध्यान रखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लाइफ के इनिशियल 35-40 ईयर्स तक अपना ध्यान नहीं रखते तो बाकी की लाइफ बहुत टफ जाती है। स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके साथ ये देखा गया है कि वो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती हैं। बच्चे उनको बहुत ज्यादा समझाते हैं कि आप अपना भी ध्यान रखिए, बट वो एक हैबिट है जो उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। अपने टीन एज से ही ये हैबिट डाल लें कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, तो आप किसी भी रिलेशनशिप पर डिपेंड नहीं करेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा और आपके अंदर ग्रैटिट्यूड डेवलप होगा। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा स्ट्रांग टूल है जो आपको हमेशा तैयार रखता है और ज्यादा रिसीव करने के लिए। एक फेमस कोट भी है कि जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा, और जिनके पास है और जिनको ग्रैटिट्यूड है उनको और दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी गोल अपने लिए रखा है तो यू हैव टू 100% बिलीव कि आप उसे अचीव कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप को दिलाना है। हो सकता है आपके आसपास के लोग उसे ना दिलाएं, हो सकता है आपके आसपास के लोग आप पे डाउट करें, कि वो डाउट ही करते हैं, पर आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। मिरर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। बाकी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनके साथ चीजें बदलती रहती हैं, बट ये एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो कभी नहीं बदलेगा, आपका हर मुश्किल में साथ देगा। वो मिरर के पीछे जो इमेज है आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। देखिए, बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते, जब हमें लगता है कि हमारा पास्ट बहुत ज्यादा पेनफुल था, हमारे साथ बचपन में बहुत गलत हुआ है। जब हमें ये चीजें लगती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मेडिकल प्रॉब्लम लेकर ही आती हैं आपकी बॉडी में। इसके बारे में उन्होंने यू कैन हील योर लाइफ में भी बात की है। साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से किस फिजिकल पेन, किस फिजिकल प्रॉब्लम को हम क्रिएट कर लेते हैं। मिरर के सामने आप शाउट कर सकते हैं, आपको जो भी जिसे कहना है उसे कह सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करती है, आप इसको जरूर ट्राई करें। ये एफर्मेशंस, ये टेक्निक्स आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बनाती हैं। तो चलिए, इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। कल मैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक्स, बाय।